हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनी एग्जाम में। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से 300 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि पीएन की है, और ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, पक्की नौकरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो कंप्लीट डिटेल इसमें देखेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या आपके पास एज क्राइटेरिया रहेगा, कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी के अंदर, और कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया की जॉब निकाली गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, पीएन की 300 पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है ये। तो कंप्लीट डिटेल देखते हैं। तो फटाफट से जो भी चैनल पर नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से आते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये आपके पास सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ में ये जो है वो जॉब निकाली गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, और पोस्ट का नाम है, पीएन की पोस्ट है। 25/8 को ये आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आया था, यानी कि आपका जो है वो कल ये नोटिफिकेशन आ गया था। और इसमें जो कैंडिडेट आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 25/8 यानी कि 25 अगस्त से लेके आप 20 सितंबर तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 अगस्त यानी कि कल से आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे, और लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 300 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं पीएन की। कहाँ पर है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एट चंडीगढ़ में ये वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट फिर से आपको बता दूँ, 20 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की 243 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई है। एससी एसटी और बीसी की अगर बात करते हैं तो 30 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन की 15 वैकेंसीज हैं। आगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर बात करें तो लोअर लिम डिसेबिलिटी की 3 है, अपर लिम की 3 है, इम्पेयर्ड हियरिंग की 2 है, लो विजन की 2 है, और इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड की 2 यहाँ पर रिजर्व की गई है। तो जनरल कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 243 है। काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एस सी एस टी बी सी की बात करते हैं तो 30 पोस्ट हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं मे वेरी कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। आगे एज क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो मिनिमम जो है आपके 18 साल और मैक्सिमम 35 साल आपके पास एज होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 35 साल की एज यहाँ पर मांगी गई है। आगे बात करते हैं, ये जो आपके पास रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी दी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8 मिनिमम, और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो 12वीं होनी चाहिए। वैसे तो 12वीं के बाद भी जैसे कॉलेज हो गया, बीटेक वगैरह बच्चे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम से ज़्यादा क्वालिफिकेशन किसी के पास है, प्रीस्क्राइब्ड आवर शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन्होंने यहाँ साफ साफ बोल दी, तो जब भी आप फॉर्म भरें तो मैक्सिमम 12th भरें, इससे ऊपर क्वालिफिकेशन को ना भरें। तो 8th से लेके 12वीं तक जो है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैक्सिमम 12वीं यहाँ पर मांगी गई है, और मिनिमम जो है वो 8वीं यहाँ पर मांगी गई है। जब फॉर्म को फिल करेंगे तो 12th मैक्सिमम आपको भरनी है, इससे ऊपर आप नहीं भर सकते। फीस की अगर बात करते हैं तो जर्नल के लिए एस सी एस टी बी सी ऑफ एरिया स्टेट अदर देन द पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो हैं जर्नल के हो, एस सी एस टी बी सी एरिया ऑफ स्टेट अदर देन, जो कि पंजाब को छोड़ के, हरियाणा को छोड़ के और चंडीगढ़ को छोड़ के, इन तीनों यूटी और स्टेट को छोड़ के जो भी कैंडिडेट इसको फिल करेंगे अदर देन इनके, उनके लिए 700 रुपये फीस है। जो हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के हैं एस सी एस टी बी सी, उनके लिए 600 फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 600 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपके पास 600 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए 700 है, एस सी एस टी बी सी पंजाब और हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के लिए 600, बाकी सबके लिए 600 है। रिजर्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर, अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा क्या रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर वगैरह वगैरह है। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि किस तरह से आपकी सिलेक्शन की जाएगी, तो ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन शैल हैव टू फर्स्टली अपियर इन द रिटर्न टेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास रिटर्न टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि 100 मार्क्स का आपके पास रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्राइजेस 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। जिसके अंदर आपके पास जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ आएगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 4 यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक आपके पास बोला गया है कि जीके, जिसमें आपके पास
इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस वगैरह हो गया, तो ये सब कुछ रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा आपके पास, जिसके अंदर करंट अफेयर ही आता है, जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ करंट अफेयर, और आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ रहेगा। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, तीन लैंग्वेज में आपके पास पेपर आएगा। ड्यूरेशन 90 मिनट की रहेगी। मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको कम से कम जो है वो 50% मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, और बाकी जो है एससी एसटी बीसी के लिए उनके लिए 45% मार्क्स यहाँ पर इनको रिजर्व किए गए हैं। तो इनको कम से कम 50 जनरल वालों को, और जो आपके पास एससी एसटी बीसी है उनके लिए 45% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, ठीक है। और सिलेबस फिर से एक क्वेश्चन दो मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिए जाएंगे। ऑल आफ्टर द रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद कैंडिडेट इक्वलेंट टू 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे हर कैटेगरी से, एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसको छोड़ के, इन ऑर्डर टू देयर मेरिट। रिटन टेस्ट वुड बी फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि पीईटी होगा, यानी कि पहले आपके पास रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो भी क्वालिफाई करेगा, 10 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा किसके अंदर, पीईटी के अंदर, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर उनको बुलाया जाएगा, जिसके अंदर आपके पास 800 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की डिटेल है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जैसे 800 मीटर की रेस है, 18 से 30 साल के लिए 270 सेकंड दिए जाएंगे, जो 30 से 35 साल का होगा उनके लिए 310 सेकंड है, जो आपके पास 35 से 40 साल का होगा उसके लिए 350 सेकंड है। ऐसी आपकी एज क्राइटेरिया के अंदर आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर की रेस है, तो ये आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टाइम पीरियड दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा आपके पास, ठीक है, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितने मीटर की लॉन्ग जंप है वो दी गई है। हाई जंप होगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितनी हाई जंप है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले आपके पास दो फेज हो गए आपके पास, एक तो रिटन टेस्ट हो गया, ठीक है, और एक आपके पास पीईटी हो गया। कैंडिडेट शेल हैव टू क्लियर ऑल द इवेंट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, आपको ये तीनों जो क्राइटेरिया दे रखे हैं ये क्लियर करने पड़ेंगे इन अबव सेड पैरामीटर के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड में यहाँ पर बोला गया है कि एडमिट कार्ड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है वो ये आपके जो एडमिट कार्ड है अपलोड कर दिए जाएंगे। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.highcourtchd.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपके पास एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट पर आएगी, इन्होंने बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो वो देख लेते हैं। कोई TDA नहीं दिया जाएगा आपके पास जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म को जो है वो भरना, वो खैर आपको पता लग ही जाएगा कि किस तरह से फॉर्म जो है वो भरा जाएगा जब आप ऑफिशियल साइट खोलेंगे, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सिलेबस था आपके पास, एज क्रिटेरिया था, फीस कितनी है वो सब है, और 300 पोस्ट हैं जिसमें से अंदर 243 जो है वो जनरल की हैं, एस सी एस टी बी सी की 30 पोस्ट हैं और एक्स सर्विस मैन की 15 पोस्ट हैं। 25 अगस्त से लेके आप 20 सितंबर तक इसे भर सकते हैं, और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आगे प्रैक्टिस सेट हो, सारा इसकी जो है वो प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं इसकी प्रिपरेशन के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फटाफट से वैकेंसीज को फिल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।